फिलहाल विपक्ष की बैठक खत्म हो चुकी है और बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने बुलाई थी अहम मीटिंग, तो सभी 16 विपक्षी दलों के नेता फिलहाल इस बैठक में शामिल हुए। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में चल रही विपक्ष की बैठक फिलहाल खत्म हो चुकी है। इस बीच आपको बता दें कि शरद पवार की अध्यक्षता में बैठक हुई है और ममता बनर्जी ने साफ तौर पर कहा राष्ट्रपति चुनाव में विपक्ष का एक उम्मीदवार होगा, तो समूचा विपक्ष अब एक साथ नजर आ रहा है। सबने आग्रह शरद पवार जी से किया है और दोबारा बैठेंगे, बातचीत करेंगे। बैठक में भी शरद पवार जी को फिर आग्रह किया गया है। दरवाजा बंद कर दे, फिर करते हैं। चर्चा हुई है, अच्छी चर्चा हुई है। विपक्ष सब लोग सामूहिक तौर पर एक हैं, देश के अहम चुनाव पे हमने बातचीत चर्चा की और आगे इस बात को बढ़ाया। शरद पवार के लिए चर्चा हुई है, जय पवार। हाँ जी, अरे तो 16 दलों के नेता फिलहाल बैठक में शामिल हुए, तो राष्ट्रपति चुनाव को लेकर के विपक्ष पूरा एकजुट नजर आ रहा है। हालांकि जयंत बिश्नोई भी उसके बाद अब बाहर निकले तो उन्होंने तमाम सारी चीजों का जिक्र किया, पत्रकारों के सवालों के जवाब दिए, लेकिन विपक्षी एकता की बात उन्होंने साफ तौर पर कही, तो राष्ट्रपति चुनाव में विपक्ष का एक उम्मीदवार होगा। कुछ नहीं, अखिलेश जी, अखिलेश जी, अखिलेश जी, अखिलेश जी, यादव जी। चलो अब तो शरद पवार की अध्यक्षता में फिलहाल जो बैठक हो रही थी, फिलहाल अब 16 दलों के नेता इस बैठक में शामिल हुए और विपक्ष की बैठक पूरी तरीके से फिलहाल खत्म हो चुकी है। नेता भी बाहर निकल रहे हैं, तो आपको ये समीकरण जो बन रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए देखिए, विपक्षी एकता यहां पर नजर आ रही है, तो वो कांग्रेस के, डीएमके, शिवसेना, सपा, एनसीपी, आरएलडी, पीटीपी, और ये विपक्षी एकता है जिसमें आप, टीआरएस, बीजेडी, अकाली दल, ममता की मीटिंग में कौन कौन नजर नहीं आए, जिसमें आपकी उम्मीद जाहिर की जा रही थी लेकिन आपने अपने को अलग रखा, और इस बीच कांग्रेस, सपा, एनसीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, जेडीएस, सीपीआई, सीपीएम, ये एक साथ नजर आए। तो 16 जो विपक्षी दल हैं ये राष्ट्रपति चुनाव को लेकर के अब एक उम्मीदवार होगा और राष्ट्रपति चुनाव को लेकर के विपक्षी एकजुटता साफ तौर पर नजर आई। देखिए आज का मीटिंग में महत्वपूर्ण चीज यही है कि हम लोगों ने हॉट इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल पार्टीज दे सेंड देयर रिप्रेजेंटेशन, और बहुत सारे सीनियर लोगों ने भी आए थे। आप पहले कभी नहीं देखा अखिलेश और मुक्ति जी, ऑल दे केम दिस मीटिंग। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे अपनी सहयोगी, अपनी संवाददाता स्वाति पाठक से। स्वाति, विपक्ष की बैठक खत्म हो चुकी है, फिलहाल अंदर खाने से क्या कुछ खबरें छनकी आई है, जानना चाहेंगे स्वाति। देखिए विपक्षी नेताओं की 2 घंटे तक कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में बैठक हुई है, जिसमें सबसे पहला नाम राष्ट्रपति के लिए शरद पवार के नाम को सामने रखा गया, जिसमें सभी पार्टियों ने, यानी 16 पार्टी जो उस बैठक में मौजूद थे, सभी पार्टियों की तरफ से सहमति बनी, लेकिन शरद पवार ने इनकार कर दिया। और शरद पवार के इनकार करने के बाद ममता बनर्जी ने ही गोपाल कृष्ण गांधी का नाम भी सामने रखा। उसके बाद फारूक अब्दुल्ला के नाम पर भी चर्चा हुई है, 3 नामों को लेकर आज उस बैठक में चर्चा हुई है। लेकिन शरद पवार के इनकार करने के बाद अब नया चेहरा जो राष्ट्रपति का उम्मीदवार विपक्षी पार्टियों की तरफ से होगा, लेकिन ये तौर है कि जो विपक्षी पार्टियां हैं उनकी तरफ से एक उम्मीदवार को मैदान में उतारा जाएगा। वो उम्मीदवार कौन होगा इस पर फिर से एक बार मंथन जल्द हो सकता है और फिर एक बार नाम पर मुहर भी लग सकता है। लेकिन जो शरद पवार के नाम को लेकर जो चर्चा हुई है उसमें कांग्रेस पार्टी की भी सहमति थी और इसके साथ ही जो बाकी पार्टियां भी थी उनकी भी सहमति शरद पवार के नाम को लेकर थी।
यानी कुल मिलाकर जो 16 पार्टियां उस बैठक में मौजूद थी सब चाहते थे कि शरद पवार विपक्ष के उम्मीदवार हो राष्ट्रपति के लिए, लेकिन शरद पवार ने इनकार कर दिया, वो नहीं चाहते कि वो राष्ट्रपति के उम्मीदवार बने। उसके बाद ही इनकार करने के बाद ममता बनर्जी ने ही चुकी सबसे पहले शरद पवार का नाम रखा था। उसके बाद जब शरद पवार ने इनकार कर दिया तो गोपाल कृष्ण गांधी का नाम भी ममता बनर्जी ने ही सामने रखा है। अब जब सहमति बन जाएगी, दूसरी बैठक होगी, दूसरी बैठक में फिर से एक बार चर्चा होगी और चर्चा होने के बाद जब नाम पर मोहर लग जाएगा तब जो है बाकी पार्टियां, जैसे आम आदमी पार्टी की बात की जाए तो आम आदमी पार्टी ने वापस हिस्सा नहीं लिया था, तो आम आदमी पार्टी को उम्मीदवार बताया जाएगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा गया है कि नाम का जब उम्मीदवार तय हो जाएगा तो उसके बाद वो विचार करेंगे। तो यानी कुल बिल्कुल आप TRS BJD अकाली दल ये मीटिंग में शामिल नहीं हुए, लेकिन विपक्षी एकता साफ तौर पर नजर आई। बहुत बहुत शुक्रिया स्वाति इस तमाम सारी जानकारी के लिए।